और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन और पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में स्थित क्योटरा बांगर क्षेत्र का दौरा किया। यहां पर बाढ़ से पीड़ित नागरिकों से उन्होंने समस्याएं सुनी। नागरिकों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि प्रशासन द्वारा अब हमें संपूर्ण व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने यहां पर खाद्य सामग्री की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति, स्वच्छ पेयजल की स्थिति आदि के संबंध में पूछताछ किया। नागरिकों ने कहा कि शुरुआत में कुछ समस्याएं थी, परंतु अब प्रशासन की तरफ से हमें भरपूर मदद मिल रही है। जिलाधिकारी ने इस आए हुए संकट से सभी नागरिकों को मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन आप सब की हर तरह से मदद करेगा। वहां उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों की मदद में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ संपूर्ण गाँव का नाव द्वारा भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीण जनों को बताया कि जिला बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर 7388704008854383804008, व्हाट्सएप नंबर 9044070030 की स्थापना मुख्यालय पर की गई है, जो कि 24 घंटे संचालित है। कोई भी समस्या है तो अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस मौके पर उप जिलाधिकारी भोगनीपुर अजय कुमार राय ने बताया कि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। उनके रहने एवं खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, तथा नागरिकों के गांव आने जाने हेतु नाव प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, इससे नागरिक आ जा रहे हैं। इस मौके पर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवकी नंदन लावनिया की टीम द्वारा पशुओं को टीकाकरण लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर, जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार लेखपाल आदि उपस्थित रहे। मैं जा रहा हूँ, अभी काम शुरू करा दी। हम लोग वहीं से आए हैं, पंचायती घर है ना, मैं पंचायत घर से आया हूँ। हाँ, पंचायत घर से ही हम लोग काम करके वहाँ टीकाकरण करा के फिर इधर आए। पशुओं के टीकाकरण लग रहा है, मतलब जो जैसे बीमारी ना, वो वहाँ पे है ना, इंटर गांधी, महात्मा गांधी। हाँ, वहीं से आ रहा हूँ मैं, देख इस तरफ जाता देख के आऊँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ।